मुक्ति प्राप्त हुआ तो आप एक इंसान, साधारण इंसान है, उनको बुद्ध भगवान बनाया, तो ये इंसान को ज्ञान मुक्ति प्राप्त करके भगवान बनाया, तो ये पेड़ भगवान बनाया। ये साधारण विषय नहीं, एक इंसान को, साधारण इंसान को भगवान बना सकता, तो पेड़ कर सकता। इसलिए ये पेड़ अपना दूसरी माता भी है और ये भगवान भी है, इनको रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और एक एक पेड़ विद्यार्थी, आप जो पेड़, आपको यहाँ पे 32,000 बच्चा है आपका तालुका में, नंदुरा तालुका में 32,000 स्टूडेंट है, क्लास वन से 12वीं तक सभी बच्चों को एक एक पेड़ मिलने वाला है। पूरे 32,000 बच्चों को एक एक पेड़ आपको फ्री में मिलेगा। आप वो पेड़ को आप अपना घर में या आपका सिटी में या आपका आजू बाजू जहां तुम पानी दे सकता वैसी जगह में आप लगाना, उसको संरोपण करना, और आपका बर्थडे वो पेड़ का साथ में साजरा करना। आपको इसका महत्व कभी मालूम होगा, जिस दिन तुम अधिकारी बनने के लिए, जब तुम कॉलेज पढ़ने के लिए या अधिकारी बन के कभी तुम दूसरा गांव में जाएगा, दूसरा जिला में, स्टेट में पढ़ने के लिए जाएगा, तो तुम्हारा माँ बाप भी इधर घर में तरसते रहेंगे, मेरा बच्चा मेरा हाथ में था, इतना दिन हो गया, दूर में गया, उधर पढ़ने गया, मैं कभी देखूंगा मेरे बच्चों को, ऐसे रोते रहेगा तुम्हारा माँ घर में। जब तुम्हारा पेड़ को देखेगा ना, वो दिन वो पेड़ को ऐसी देखते है मेरा बच्चा करके वो घर में मिलकर रहेगा। जो पेड़ लगाएंगे आपका नाम से लगाना, आपका नाम से बुलाना है, उसको घर में मिलना है, हाथ मिलना, उसको प्रेम करना, और वो पेड़ बड़ा होएगा। और आज वृक्ष दिंडी और अमृत महोत्सव और ये सब प्रोग्राम, वन स्टूडेंट वन ट्री प्रोग्राम, हर घर में तिरंगा, इस तरह विभिन्न कार्यक्रम अपना एक ही स्टेज में हो रहे, आप सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे मेरे को बुलाया और मेरे को यहाँ पे रेस्पेक्ट करके या इधर मेरे को बोलने का मौका दिया, इस प्रोग्राम में उपस्थित किया, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारा स्वागत सत्कार के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप